हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं एक लिपस्टिक का रिव्यू करने वाली हूँ, डेमो करने वाली हूँ, और ये मेरे लिए एक नई लिपस्टिक है। एक्चुअली ये मैंने एक शॉप से परचेज की है, और इस लिपस्टिक को देख करके मुझे लगा कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी जेली लिपस्टिक्स जो है वो रिव्यू के लिए आई थी, लेकिन इसे मैंने खुद परचेज किया है। और ये इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, दिस इज द पैकेजिंग। और ये किस ब्यूटी एक ब्रांड है उसकी लिपस्टिक है, कलर चेंजिंग जेल लिपस्टिक, और इसका प्राइस सिर्फ 120 रुपये है। तो ये मुझे 120 रुपए में मार्केट में मिल गई, एंड इसका कलर आप देख सकते हो। और इसी तरीके की मेरे पास कई जेल लिपस्टिक्स आई हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की, जो जिनका रिव्यू मैंने किया हुआ है, बट इसे मैंने परचेज किया है। और अभी मैं इसे अप्लाई करके देखने वाली हूँ कि क्या ये मॉइस्चराइजिंग जेली लिपस्टिक है, क्या ये कलर चेंज करती है। इस वक्त मेरे लिप्स पर कुछ भी नहीं है, तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। तो ये लिपस्टिक सच में कलर चेंज कर रही है, पिंक कलर की है, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस एज सच मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस ना फ्लोरल सी फ्रेग्रेंस है। बात करूँ मॉइस्चराइजेशन की, तो ये एक लिप बाम की तरह है, लाइक कलर चेंजिंग लिप बाम कह सकते हैं, बट इसका ये कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन अगर स्टे की बात करूँ तो ये ना 3-4 घंटे इससे पिगमेंटेशन, यानी कि जो पिंक कलर है, ये रहेगा लिप्स पर, और मॉइस्चराइज भी रहेंगे लिप्स। ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई लिप बाम लगा लिया है। लेकिन अगर पिगमेंटेड लिप्स पर अगर आप लगा रहे हो, तो ये लिपस्टिक कहीं ना कहीं एक तो लिप्स का पिगमेंटेशन, ऊपर से इसका पिंक कलर, तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए बात करूं मैं कि ये मुझे बहुत पसंद आई या बहुत पसंद नहीं आई, तो इट्स वेरी नाइस, इट्स ओके। मतलब 120 रुपीज़ में इसका प्राइस अच्छा है। 02 इसका शेड है, ये आप देख सकते हो। शायद ये आपको ऑनलाइन मिल जाए, बट मैंने इसे मार्केट से परचेज किया। और इसकी इधर से देखने पे पैकेजिंग बिल्कुल लगती है लैक्मे की, जो सैटिन लिपस्टिक नहीं आती है बिल्कुल वैसी ही, बट यहां से ये बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम टोटल ट्रांसपेरेंट इसकी पैकेजिंग है। दिस इज वेरी नाइस। सो इसको अप्लाई करते समय बहुत लाइट लगती है, पता ही नहीं चलता है कि आप लिप कलर लगा रहे हो भी कि नहीं। तो ओवरऑल ये एक टिंटेड लिप कलर है, एंड वेरी नाइस, वेरी लाइट, और वाटरप्रूफ है, तो मॉनसून वेदर में अच्छी है अगर आपको लिपस्टिक लुक नहीं चाहिए, सिर्फ कलर चाहिए लिप्स पर। एंड आई लाइक इट, प्राइस वाइज ये अच्छी है, और उतनी बैड भी नहीं है इसकी फ्रेग्रेंस, बट मुझे उस तरीके की स्वीट मीठी मीठी सी जो फ्रेग्रेंस होती है वो पसंद नहीं है, बट अगर किसी को पसंद है तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लाइक जो नेचुरल लिपस्टिक लगाना पसंद करती हैं, उनके लिए ये आई थिंक परफेक्ट चीज़ है। जी हाँ, तो यदि आपको और भी लिपस्टिक्स के लिप स्वैचेस देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और ये देखिए अभी इसका देखेंगे कि ये ट्रांसफर होती है या नहीं, हुई है। बहुत लाइट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन लिप्स पर आप देखिए, इसका ये प्लस पॉइंट है कि इसका पिगमेंटेशन और मॉइस्चराइजेशन बरकरार है, मतलब ट्रांसफर भी नहीं हो रही है। आई लाइक इट, थैंक यू सो मच दोस्तों। और मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर फॉलो कीजिए, एंड मेरे चैनल पर नए नए वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।